आजी तो मंदिर गई है पूजा के लिए। जूते के साथ मंदिर में आए, चल उतार जूते, उतार। उतारेगा या नहीं? ओहो, चलो भगवान को प्रणाम करो। ओहो, मुझे नहीं, भगवान को। मेरा भगवान तो तुम हो माँ, ये भगवान तुमसे बड़ा थोड़ी है। तू कभी सुधरेगा या नहीं? जरा अपनी शक्ल देख, शीशे में कैसा भूत लग रहा है। देख शीशे में क्यों माँ, मैं तुम्हारी आंखों में देख लेता हूँ। पता है क्या कहता है ये शीशा? क्या कहता है? ये कहता है कि मेरे बेटे जैसा खूबसूरत जवान ना इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। हा हा हा, बड़ा खूबसूरत है। इधर माँ, आहिस्ता माँ, मेरे चेहरे का ख्याल छोड़ो, मेरे पेट का ख्याल करो। क्यों, कुछ खाया नहीं? माँ, तुम्हारे बगैर मैंने कभी खाना खाया है? चलो जल्दी चलो। माँ जल्दी करो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है। इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है? मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मेरी माँ को कभी कुछ नहीं हो सकता। जानता है आज मैं किस लिए मंदिर गई थी? किस लिए गई थी माँ? अपने लिए बहू मांगने। तू आ जाए तो मुझे कुछ छुट्टी मिले। एक बात सुन लो माँ, जो मेरी माँ की छुट्टी करेगा ना, मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा। हाँ ठीक है, बीवी मर्द की साथी हो सकती है, उसकी शक्ति हो सकती है, लेकिन माँ की जगह तो नहीं ले सकती। अच्छा अच्छा, बातें मत बना, ले खा ले। साहब क्या है? वो चीते का बच्चा मेरे हाथ से दूध नहीं पीता, माँ माँ कर रहा है। एक काम कर, मैं आके पिलाता हूँ दूध, तू जा। क्यों रे, तू इतना बड़ा होकर भी अपने आप नहीं खा सकता? वो तो बेचारी छोटी सी जान है, उसे माँ नहीं चाहिए दूध पिलाने के लिए? माँ बस ये दो तीन दिन ऐसे करता, उसके बाद तो पीने लगते हैं। विजय, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बच्चों को उनकी माँ से अलग मत करो, ये बड़ा पाप है बेटे, मगर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं। पर माँ, मैं उन्हें दूसरे शिकारियों की तरह जान से तो नहीं मारता, उनका खून नहीं बहाता, बस पकड़ता हूँ, पकड़ के सर्कस वालों के पास भेज देता हूँ। ये कौन सा पाप हो गया, ये तो काम है मेरा। पर इसकी जरूरत ही क्या है, भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है, इतनी बड़ी जायदाद है, स्टेट है। मैं फिर तुझसे विनती करती हूँ विजय, इस पाप का काम छोड़ दे। एक विनती मैं करूँगा। कहो। खाना आधा ठंडा हो गया, पूरा ठंडा हो जाएगा, आज्ञा हो तो खा लूँ। तू बड़ा चालाक है, मैं तुझसे जब भी इस बारे में बात करती हूँ कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है मेरी बात को। माँ, माँ। क्या? मैं तुझसे कहूँ तो क्या कहूँ? नया बिजनेस मुबारक हो। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हेलो, यस स्पीकिंग। हेलो, मैं बंबई से कपूर बोल रहा हूँ। हेलो कपूर सर, कैसे हैं आप? जी हाँ, मुझे आपका ड्राफ्ट मिल चुका है, लेकिन कपूर साहब मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे आपका ड्राफ्ट वापस करना पड़ेगा। अब मैं आपकी क्यों क्या जवाब दूं, जानवर 100 है तो ग्राहक 1000।
अब देखिए कम से कम 8-10 कस्टमर तो यहां बैठे हुए हैं मेरे पास जी। ओफो कपूर साहब आप समझते क्यों नहीं, मैं जानवर को काट के तो नहीं बेच सकता। प्लीज मैं आपका ड्रॉप वापस भेज रहा हूं, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब देखिए मुझे सुनो बल्लाज जी। शर्मा जी हमारा तुम्हारा पुराना संबंध है, मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब से तुम गोपाल दास के यहां मैनेजर थे। तुम्हें मेरा ऑर्डर और यज्ञांत लेना ही पड़ेगा बल्लाज। वो तो ठीक है शर्मा जी, लेकिन इस वक्त आप गोपाल दास को छोड़कर मेरे पास पुराने संबंधों के लिए नहीं आए। आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि मेरे जानवरों की कीमतें उनकी कीमतों से कम है। किस लिए भी आए हो पार्टनर, हमारे कस्टमर बन के आए हैं और कस्टमर को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। डार्लिंग अगर तुम्हें चाहिए तो ये तुम्हें डबल एडवांस भी दे सकते हैं, है ना शर्मा जी? श्योर श्योर, ये कौन सी बड़ी बात है, 20,000 तो क्या, मैं आपको 40,000 एडवांस दे सकता हूँ। ये लो इन्हें संभालो पार्टनर, मैं इनका ऑर्डर नोट करती हूँ। ठीक है शर्मा जी, यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ ऑन मी। बोलिए शर्मा जी। हाँ जी देखिए, 6 चीते, 2 शेर, 1 भालू का बच्चा। बच्चा ठीक है, ओके बल्लाज, ऑल द बेस्ट बल्लाज। अब तो हमारा ऑर्डर भी तुम्हें लेना पड़ेगा, हम भी डबल एडवांस देने के लिए तैयार है। लेकिन आप समझ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं पार्टनर, बिजनेस में ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक को दो दूसरे को ना दो। ये रहा एडवांस और ये लो जानवरों की लिस्ट। ओके ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स मार दिया ना मैदान, एक पानी पिलाए और दूसरा ये भी खूब रही। डार्लिंग बिजनेस में ये सब कुछ करना पड़ता है, अगर हम दोनों मिलकर ये ड्रामा ना करते तो ये सब एडवांसेस और ऑर्डर्स कभी ना मिलते। अब तो मानती हूँ मुझे, मानती तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन एक बात बताओ, इतने सारे एडवांस तो हमने ले लिए, जानवर कहाँ से लाएंगे? Oh my love, you worry too much. जानती हो ये सब के सब जानवर हमें सिर्फ एक ही आदमी सप्लाई कर सकता है और वो है विजय।